हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। यह वीडियो सोलेंड के एपिसोड 219 पर बेस्ड पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड की शुरुआत में हम देखते हैं तांगसन और तांगजियो को। तांगजियो तांगसन से कहता है, मैंने गॉड लेवल ब्लैक सेमेथ लाओगाओ से पूछा था, तुम्हारा काम तुम सीधे ही तांगसन को दो। तब तांगसन उस बॉक्स को लेने के साथ ही देखता है, उसमें हमें पेकॉक फेदर, पेयर ब्लॉसम, स्ट्रॉम नेडल दिखाई देते हैं। तांगसन इन्हें देखते हुए तो काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ तांगसन पूछने लगता है, सीनियर क्यों नहीं आए। तब तांगजियो दुखी होने के साथ बताने लगता है और हम तांगजियो के फ्लैशबैक मेमोरी में देख पाते हैं, लाओगाओ काम कर रहे होते हैं और तांगजियो उनके लिए खाना छोड़कर जाता है। घड़ी के साथ समय बदलता रहता है। तांगजियो फिर खाना लेकर आता है, लेकिन वह देखता है उनका पिछला वाला खाना भी रखा हुआ है और लाओगाओ पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लगे हुए होते हैं। रात से दिन और दिन से रात, यहाँ पता नहीं कितना टाइम बीत रहा होता है। इसके आगे हम लाओगाओ को ब्लड वॉमिट करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब या तो उन्हें कोई इंटरनल इंजरी हो चुकी है या वह इन सीक्रेट वेपन को बनाने में इतने मशगूल हो चुके होते हैं कि वह खुद का ध्यान ही नहीं रख सके। और अब उनके धीरे धीरे कमजोर होने के साथ अब समस्या और भी बढ़ने लगती है, जिससे गलती से उनकी ब्लड ड्रॉप्स सीक्रेट वेपन पर गिर जाती हैं, जिससे उसमें से लाइट फ्लैश के साथ निकलने लगती है। और जैसे ही लाओगाओ को समझ आता है, उन्होंने अपनी एक अंगुली से ब्लड पावर दी होती है और वह सीक्रेट वेपन, जो काफी कोशिश करने के बाद भी नहीं चढ़ रहा होता है, वह अपने आप ही असेंबल होने लगता है, जिससे लाओगाओ के चेहरे पर जो मुस्कान होती है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। और अब सीनियर लाओगाओ भी उस सीक्रेट वेपन का पूरा ही माजरा समझ चुके होते हैं और अपनी सोल्डरिंग को एक्टिव करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। देखने में समय रुका हुआ सा लगता है। तांगजियो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब लाओगाओ को रोकना तांगजियो के बस में नहीं होता है। गॉड लेवल ब्लैक समेत लाओगाओ आगे जाने के साथ पीछे पलटते हैं। हम उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देख पाते हैं। उसी के साथ लाओगाओ फ्लेम में जलते हुए खत्म हो जाते हैं और हमें सिर्फ उनकी वर्कशॉप के बाहर उनकी ठहाकों वाली जोरदार प्राउड से भरी हुई हंसी सुनाई देती है। और इस तरह से वह सीक्रेट वेपन ग्लो करता है और उसका काम पूरा हुआ होता है। यह सब सुनने के साथ ही तांगसन, जिन हाथों से वह बॉक्स को पकड़ा हुआ होता है, वह हाथ कांपने लगते हैं। तांगसन की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। तांगसन कहता है, सीनियर, लाओगाओ ने पियर ब्लॉसम स्ट्रॉम नेडल को बनाने में अपना सेक्रीफाइस कर दिया है। यह उनकी जिंदगी का ग्रेटेस्ट काम है, जिसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस दिया है। वह गॉड लेवल ब्लैक समेत कहलाने के लायक हैं। आगे तांगजियो कहता है, वह तांग सेक्ट के मेंबर थे। तुम्हें उनके आखिरी काम को वापस तांग सेक्ट में ले जाना होगा। अगले ही फ्रेम में हम तांग सेक्ट को देखते हैं, जो देखने में लगता है अब तक पूरा हो चुका है। तांगसन यहाँ पर लाओगाओ को एक प्रकार से ट्रिब्यूट ही दे रहा होता है, साथ ही वह लाओगाओ के आखिरी काम को सभी को बताता है। तांगसन एल्डर टाइटन से कहता है, लाओगाओ ने इस मैप को भी रिपेयर किया है। आगे तांगसन उस वेपन के बारे में बताने लगता है, जैसे कि वह 51 लेवल के लोगों को एक ही बार में मार सकता है, लेकिन यह एक ही बार शूट किया जा सकता है, जिसमें 27 सिल्वर निडल एक साथ शूट होती हैं। लेकिन सीनियर लाओगाओ ने इसमें 49 सिल्वर निडल को इंसर्ट किया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है। इस तरह से तांगसन एक रॉक पर शूट करता है, जिस पर हिट होने के साथ वह धूल में तो नहीं, वह तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वह हवा में मिल गया है। आगे हम पूरे ही तांग सेक्ट के डिसाइपल और मेंबर को लाओगाओ के सम्मान में सिर को झुकाते हुए देख पाते हैं। तभी इनके पास एक रिपोर्टर आती है, जो कुछ घबराई हुई सी लग रही होती है, जिसे एल्डर व्हाइट वर्ड कहते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सेक्ट चीफ भी यहीं पर हैं। फिर वह बताने लगती है, एम्परर सुईबांग मिलियन ट्रूप्स के साथ वुहान एम्पायर से फाइट करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने तांग सेक्ट की आर्मी से असिस्टेंट्स देने के लिए पूछा है। आगे सुईबांग की आवाज में ही हम सुन पाते हैं, जो कह रहा होता है, वुहान एम्पायर की आर्मी हमें सप्रेस कर रही है और उनके बॉर्डर पर किए कारनामे भी बताता है। कुल मिलाकर सुईबांग के कहने का मतलब होता है, अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है,
जिससे आर्या पार की फाइट का टाइम आ चुका है। इसी के साथ अगले ही फ्रेम में हम दोनों ही आर्मी को आगे निकलते हुए देख पाते हैं। अब होने वाला है वार। इसी के साथ एपिसोड 219 कंप्लीट होता है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड की वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। साथ ही यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।